हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात कर रहे हैं यूपी बोर्ड रिजल्ट की डेट के बारे में कि यह रिजल्ट कब तक आएगा। सभी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि रिजल्ट की डेट जारी हो चुकी है। दोस्तों, जो कक्षा 10 और 12 के कापियों का मूल्यांकन हो रहा था वह सफलतापूर्वक समाप्त हो चुका है। जैसा कि दोस्तों हम अभी अभी जानकारी मिली है हमें कि यूपी बोर्ड रिजल्ट की अपलोड करने की डेट को घोषित कर दिया गया है, जो डेट 26 मई को 12 बजे के बाद हमारा रिजल्ट जो है अपलोड कर दिया जाएगा हमारी वेबसाइट पर UPMSP पर। जिसके बाद दोस्तों हम अपनी वेबसाइट पर जाकर के UPMSP उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट जो है उस पर जाकर के अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों आसानी पूर्वक। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 26 मई को जो है हमारा रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, जिसको हम बड़ी आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें जो है काफ़ी चेंजेस किए जाएंगे गए हैं। अब की बार जो है काफ़ी लोग पिछली बार जो है काफ़ी लोग फेल हो रहे थे, मतलब हो गए थे, कई लोगों को कम मार्क्स मिले थे, लेकिन इस बार जो है अधिकतम मार्क्स मिलने के चांसेस हैं। गवर्नमेंट द्वारा ये मतलब जारी किया गया है कि बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिए जाएं, क्योंकि उनकी कोरोना काल में सही से पढ़ाई नहीं हो पाई थी, जिसके कारण हमारी गवर्नमेंट ने ये जारी किया है कि सभी को अधिकतम अंक दिए जाएँ। तो दोस्तों, जब आपका रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा वेबसाइट पर, तो आपको आप देख सकते हैं, हम होम पेज पर हैं अपनी वेबसाइट की, जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा प्रदेश परिषद की वेबसाइट है उस पर है। यहाँ पर आप जाकर के आसानी से अपना जो है रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। जहाँ पर लिखा समस्त परीक्षा फल, यहाँ से क्लिक करके आप जो है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपका जैसे हाई स्कूल है और फिर इंटरमीडिएट दोनों के परीक्षा फल आप यहाँ से क्लिक करके आप अपने अब बहुत आसानी से देख सकते हैं दोस्तों। बाकी दोस्तों, इसके लिए बहुत इससे भी आसान एक ट्रिक आपको लिए हम लेकर आएंगे। जब हमारा रिजल्ट अपलोड कर दिया जाएगा तो आपके लिए एक इससे भी आसान वीडियो बनाकर हम आपको देंगे, जिससे बहुत आसानी से आप अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आशा करता हूँ हमारी वीडियो पसंद आई होगी आपको। अगर जो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर भी करना दोस्तों।